नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूँ गौतम एडिविट ग्रासे और आप हमारे यूट्यूब चैनल शशीन गौतम किचन गार्डन्स पर। आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगा अपने अंगूर का हार्वेस्ट। दिल्ली में टेम्परेचर 46 डिग्री तक पहुँच गया है और हम लोग जो वेट कर रहे थे अपने अंगूर का कि पकेंगे, ये पक नहीं रहे, मेरे ख्याल से भुने जा रहे हैं। जैसे आप कोई ओवन में कोई चीज़ भूनते हैं तो आप इस अंगूर को देखेंगे अगर ध्यान से तो काफ़ी श्रिंक से हो रहे हैं, उनके जो स्किन वगैरह भी कुछ सुखड़ी सुखड़ी से नज़र आ रही है। तो हमें लगा कि अगले 2-3 दिन अगर हमने इसको पेड़ पर छोड़ दिया तो ये पकने के बजाय ये जल के सूख जाएंगे और अंगूर के बजाय हमें जो मुनक्का मिलेगा, जो छुआड़ा जिसको कहते हैं, जो आप ड्राई ग्रेप्स खाते हैं तो वो मिलेंगे। आप लोगों में से जो लोग ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, अंगूर के लिए आइडियल टेम्परेचर जो है वो 20 से 25 डिग्री तक है, उसमें अंगूर अच्छा चलते हैं। उसमें जो अंगूर की क्वालिटी आती है वो काफ़ी अच्छी आती है। 35 डिग्री तक भी आप उम्मीद कर सकते हैं कुछ क्वालिटी आपको मिलेगी, लेकिन दिल्ली जैसे जगह पे या नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ पे टेम्परेचर 45-46 तक चला जाता है तो उस केस में फिर आपके अंगूर का ख़राब होना निश्चित है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि काफ़ी सारे अंगूर जो है छोटे हो गए हैं। दूसरी प्रॉब्लम आप नॉर्दर्न इंडिया में अंगूर को ग्रो करने में जो फेस करते हैं वो है कि बारिशों से पहले इनका पकना जरूरी है। तो उसके लिए अगर आपके अभी लेट हैं, अभी पके नहीं है, तो उस केस में आप एक पॉलीथीन चढ़ा के इसको थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं। इसमें एक पॉलीथीन लीजिए, उसको जो इसका बेस है जहाँ से बंद होती है वहाँ से उसको काट लीजिए और उसका जो साइड है उसको भी काट लीजिए। तो उसके बाद में इसको आप अंगूर की जो आपका गुच्छा है उसके ऊपर चढ़ा के उसका जो ऊपर से मुंह है उसको टाइट करके बंद करके रस्सी से बांध दीजिए, जिससे कि अगर पानी आता है तो आपका जो है वो अंगूर पर ना पड़े, पॉलीथीन के ऊपर से निकल के बाहर चला जाए। तो इस तरह कुछ चांस रहते हैं आपके कि अंगूर में पानी ना जाए, उसमें फंगस ना आए। आइए अब हम अंगूर को हार्वेस्ट कर लें, इससे पहले कि जो हमारे यहाँ सुबह बंदर आते हैं वो उसको हार्वेस्ट करें, हम ही पहले उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब हम लोग इसमें ये नहीं देखेंगे कितने पके कितने कच्चे हैं, बट हमने चेक किया था तो ज़्यादातर इसमें पके ही हैं, मीठे ही लग रहे हैं, कुछ खट्टे मीठे हैं, कुछ जो ज़्यादातर जितने इसमें कलर आप देख रहे हैं पर्पल कलर हो गया वो सारे अच्छी तरह से पक गए हैं। मार्केट में जो आप अंगूर देखते हैं उसमें आपको हरे रंग के अंगूर भी दिखते हैं, कुछ काले रंग के भी अंगूर दिखते हैं। तो जब तक अंगूर पकने नहीं चालू होते तब तक हमें भी आइडिया नहीं था कि कौन से कलर के अंगूर निकलने वाले हैं, या ये जो अंगूर हैं ये बीज वाले हैं या सीडलेस अंगूर हैं। तो इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि भले थोड़ा सा टाइम लगे आपको, लेकिन आप थोड़ा देर से लगाएं, लेकिन जो वैरायटी लगाएं उसकी जानकारी लेके लगाएं कि वो कौन सी वैरायटी के अंगूर हैं, आपके एरिया के हिसाब से वो कैसा करेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। सीड्स भी आप लगाते हैं, कोई प्लांट आप लेके लगाते हैं फल का या कोई भी वाइन वगैरह लगाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी किस क्वालिटी की वाइन लगाते हैं। जल्दीबाजी में अगर हम लोग कोई भी मिले उसको लगा लें तो बाद में पता चलता है कि भाई वो जो है ठीक वैरायटी नहीं थी। फिर एक जो टाइम इन्वेस्ट करते हैं 1 साल 2 साल, जैसे में हमने 3 साल इन्वेस्ट किए, तीसरे साल में हमें जाके ये हार्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है, तो सारा टाइम वेस्ट चला जाता है। तो जब हमने लगाया था तो हमें ये अकल नहीं थी, बट अभी थोड़ा सा आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि आप जब लगाएं तो उसको ठीक से जांच परख के और उसकी जानकारी लेके लगाएं। यहाँ पे मैं आपके साथ में एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें जो हमने न्यूट्रिशन है बिल्कुल बेसिक न्यूट्रिशन डाला, हमने कोई स्पेशल इसमें किसी प्रकार के कोई स्पेशल लिक्विड खाद या ऐसी कुछ भी नहीं डाला। सिंपल जो बेसिक खाद होती है जैसे वर्मिंग कंपोस्ट आपका बोन मिल है, नीम की खली है, वो सब डाला था। हाँ, कुछ बायो फर्टिलाइजर्स जो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, जो जिसने हमारे गार्डनिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी इंप्रूव किया है, जिससे प्लांट में मेरे जो यील्ड वगैरह वो काफ़ी अच्छी आ रही है। जैसे कि आपका सॉयल एनपीके बताया था मैंने आपको, सॉयल एनपीके का आपका जो है नाइट्रोजन हवा से लेके पौधों के लिए अवेलेबल कराता है, प्लस जो उसमें दूसरे जो माइक्रोब्स होते हैं वो आपके फास्फोरस और पोटेशियम उसको कन्वर्ट करते हैं प्लांट फूड में, तो उसका जरूर असर पड़ा होगा। तो वो सब हमने यूज़ किया था, बाकी सारा कुछ हमने बेसिक ही यूज़ किया इसमें। आप में से जो लोग इस तरह के जो फर्टिलाइजर्स जो भी मैंने आपको बताए वो अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो सारे मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप मेरी वेबसाइट पर विज़िट करके उसको मंगवा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अगर क्वालिटी अच्छी है तो उसको रेगुलर यूज़ में ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतने, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक मेरा शशि का आप सबको नमस्कार।